फ्रेंड्स, मैं कुसुम। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 12वां बेस इडली बनाना बताऊंगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इडली का बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए दही। इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब इसमें डालेंगे सूजी। हमने 1 कप दही और 1 कप सूजी को मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मिक्स हो गया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब हमने पैन को गरम कर लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, सरसों का तड़का लगाएंगे, थोड़ा सा जीरा भी हमने डाल दिया है। अब इसे हम बैटर में डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया भी डालेंगे। इन सारी सब्जियों को हमने धो के काट लिया है। हमने इस तरह का बीन्स ले लिया था और थोड़ी सी हरी मटर है, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। कैरेट, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। टोमेटो, इसको भी हमने काट लिया है। कैप्सिकम बारीक कटी हुई। ग्रीन चिली बारीक कटी हुई। धनिया बारीक कटी हुई। 1/2 इंच जिंजर को हमने कद्दूकस कर लिया है। और 2 आलू को थोड़ा सा बॉयल करके कद्दूकस कर लिया है। अब हमने पैन को गरम कर लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा आला और डालेंगे, इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। बीन्स और हरी मटर को हरी मिर्च, 1/2 अदरक, शिमला मिर्च, कद्दूकस किया हुआ आलू, टमाटर, चाट मसाला,
एक चम्मच, आधा चम्मच नमक, गाजर, अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी आप डाल सकते हैं। इसे एक मिनट तक पका लेंगे। अब हम धनिया मिलाएंगे। इस तरह का चटनी बनाने पे बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब हमने गैस को ऑफ कर दिया है। अब हम इसे ठंडा करेंगे। जब तक यह ठंडा होगा तब तक हम पानी गर्म कर लेते हैं। अब सूजी फूल गई है, अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है तो इसको हम पानी डालेंगे इसमें। अब बैटर रेडी हो गया है। अब इसी तरह से हम कटोरी में ऑयल लगा लेंगे। अब हम कटोरी में थोड़ा सा बैटर डालेंगे, दो चम्मच। इसका टिक्की बना लेंगे ऐसे गोल करके। ऊपर से इसे ढक देंगे। टिक्की रख के इसी तरह से ढक देंगे। अब हमने स्टफिंग को भर दिया है और थोड़ा थोड़ा धनिया डाल देंगे। आज मैं बिना स्टैंड के इडली बनाना बताऊंगी। हमने आधा लीटर पानी गर्म कर लिया है। अब हम इसमें कटोरी को रखेंगे। पानी थोड़ा सा कम लग रहा था तो हमने आधा गिलास और डाल दिया है। हम इस थाली से ढक देंगे अच्छी तरह से। इसका गैस नहीं निकलना चाहिए। अब हम इसे 15 मिनट तक पकाएंगे। हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। नाइफ क्लीन आ रहा है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। अब ठंडा करके हम इसी तरह से निकाल लेंगे।
मिक्सर वाले जार में हमने काजू, धनिया, पीनट्स, अदरक और नारियल थोड़ा सा काट के डाल दिया है। अब इसमें नमक और भुना हुआ जीरा डालेंगे, थोड़ा सा नमक और भुना हुआ जीरा, दो तीन हरी मिर्च हमने डाल दिया है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और इसे चटनी के साथ सर्व करेंगे। हमने मिक्स चटनी बनाया है, आप किसी भी अपने मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हमने पीनट्स, नारियल, धनिया का मिक्स चटनी बना लिया है, आप अपने किसी भी मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।